साइड साइड सर 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 येलो पास की, येलो पास आपकी जितनी इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे कि टेलीफोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी है, और बाकी सभी सर्विसेज जो माननीय मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य इन्होंने लॉकडाउन के ऑर्डर में जो जाहिर किया हुआ है, जो इसेंशियल सर्विसेज है, वो सभी सर्विसेज के लिए ये येलो पास जारी रहेगा। ये सब पास इशू करने के पीछे हमारी यह धारणा थी कि जब हमने ये लॉकडाउन शुरू किया, उस वक्त हमने जब गाड़ियों की चेकिंग शुरू की, उस वक्त काफ़ी लंबा जाम लगने लगा, और इस ट्रैफिक जाम में डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल का स्टाफ, एम्बुलेंसेस, ऑक्सीजन सप्लाई की गाड़ियाँ, ये सभी ट्रैफिक जाम में फंसी होने के कारण लेट पहुँचने लगी। तो ये एक हमारे तरफ से कोशिश है कि हम ऐसी गाड़ियों के लिए एक सेपरेट लेन रखेंगे जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होगी, और इन गाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए जल्दी से जल्दी इनके हॉस्पिटल में या अपनी जगह पे पहुंचाने की हम लोग इंग्लिश में। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो फ्रॉम यस्टरडे वी हैव प्रोमल्गेटेड 144 सीआरपीसी ऑर्डर इन विच वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट्स ऑफ द व्हीकल एंड वी हैव अलाउड सम कलर कोड स्टिकर्स टू द व्हीकल्स विच विल बी फ्लाइंग अंडर द इसेंशियल सर्विसेज। This was required because while clamping down the lockdown, we have realized that when we are checking the vehicles, it is leading to heavy traffic jam behind. And in this traffic jam, our doctors, medical staff, oxygen cylinder vehicles, and ambulances are also getting stuck. And they are not able to reach the hospital or the institution in time. So with this view, to facilitate the movement of these vehicles which are needed for emergency services or essential services, we have devised the color code and we will be enforcing this. That somebody might try to misuse these passes, so we will be checking randomly, and if we find that somebody is misusing these passes and somebody who is not belonging to these three categories has fixed some pass, then we will register offense against these fellows and we will prosecute it. Green pass ha
जी खाने पीने की वस्तु आहेत, वेजिटेबल्स असो, फ्रूट्स असो, डेअरी प्रॉडक्ट्स असो, बेकरी प्रॉडक्ट्स असो, कोणतेही खाने पीने की वस्तु असो, त्या सगळ्या वाहतूक नेणाऱ्या गाड्यांवर ग्रीन पास राहणार आहे। आणि याच्यामध्ये तुमचे जे होम डिलिव्हरी जे लोक आहेत त्याच्यामध्ये झोमॅटो असेल किंवा स्विगी असेल किंवा अजून दुसऱ्या कोणत्या सर्व्हिसेस असतील, ते होम डिलिव्हरीचे लोकंसुद्धा या ग्रीन पासचा वापर करतील। त्यांच्या गाड्यांवर, मोटरसायकलवर असो किंवा फोर व्हीलर असो, त्या गाड्यांवर पुढे आणि मागे हे स्टिकर लागतील। नंबर 3, एसेंशियल सर्व्हिसेस के अंडर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ग्रीन पास के तहत जाएगी। जो गाड़ियाँ खाने पीने की चीज़ें लेके जा रही हैं, वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या और कोई कंज्यूमेबल्स हो, खाने पीने की सभी चीज़ों के लिए ग्रीन पास रहेगा। गाड़ी के आगे और पीछे ये ग्रीन स्टिकर लगेगा। इसमें जो आपके होम डिलीवरी वाले लोग हैं, जैसे टोमेटो हो गया, जोमेटो और स्विगी, इन लोगों को भी ग्रीन पास लगेगा उनके मोटरसाइकिल के ऊपर और उनके गाड़ियों के ऊपर। इसके और लाइक दिस रेड स्टिकर इज फॉर ऑल द मेडिकल सर्विसेज व्हीकल्स फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ एंड ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एम्बुलेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लॉजिस्टिक ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज, दोज विल बी गवर्न्ड बाय द रेड क्रॉस। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड इफ समबडी इज गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस रेड कैटेगरी पास। आम्ही या गाड्यांना देणार आहोत। याच्यामध्ये 3 प्रकार आहेत। नंबर 1, रेड स्टिकर। हा आहे रेड स्टिकर। हा सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटलचा स्टाफ, मेडिकलची सर्व वाहने, लॉजिस्टिक सपोर्टची सगळी वाहने, ऑक्सिजन सपोर्ट, ऑक्सिजनची सिलेंडर्स, वाहतूक, ॲम्ब्युलन्सेस इन्क्लुडिंग पेशंट, जे पेशंट वैक्सीनेशनसाठी जात आहेत किंवा हॉस्पिटलमध्ये इतर ट्रीटमेंटसाठी जात आहेत, त्या सगळ्यांनी हा रेड पास वापरायचा आहे। दूसरा पास जो ये 3 कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई स्टिकर अपने गाड़ी पे लगाए और बाहर रास्ते पे निकले। ऐसे केसेस में हम सैंपल चेकिंग करेंगे और जो ऐसे हमें मिलेगा उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें और एक बात ये भी है कि हमारे ट्रैफिक के कर्मचारियों को इससे सुविधा होगी और स्टिकर लगने के बाद में हमको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि इसमें से कौन सी गाड़ी, कौन से स्टिकर लगी हुई गाड़ी, कौन से सर्विसेज की है, उनको हम आगे अच्छे से छोड़ सकते हैं। सर्व पत्रकार मित्रांनो, माझा नमस्कार। सभी पत्रकार दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सबको मालूम है कि कल से पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई के ऑफिस से एक धारा 144 CRPC के अंतर्गत आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत कुछ गाड़ियों के लिए कलर कोड के पासेस बनाने का जिक्र किया हुआ है। ये कौन से कलर है और ये कलर कौन से गाड़ियों में लगेंगे और कौन इसे यूज़ कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सूचित करता हूँ। तो पहला पास जो है वो है रेड पास। रेड पास है जो पूरा मेडिकल सर्विसेज रिलेटेड जो सर्विसेज है उसके लिए है। इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेस, हॉस्पिटल का स्टाफ,
ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस और जितनी भी गाड़ियां हैं ये मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, वो सभी गाड़ियां इसमें आएंगी। टेकिंग इट ऑन द व्हीकल्स एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। सिटीजन्स डोंट हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन, डोंट हैव टू गो टू ACP, DCP, एनी ऑफिसर। दे कैन कलेक्ट दिस, पिक दिस ऑन द चेक नाका एंड टोल नाका, और यू कैन ऑल्सो मेक इट एट होम। टेक अ क्राफ्ट पेपर, कट अ 6-inch सर्कल एंड फिक्स इट ऑन योर व्हीकल विद अ टेप, दैट्स योर पास। यू कैन क्रिएट योर ओन पास, बट इफ यू वॉन्ट, अवर पुलिस पीपल हैव ऑल्सो मेड इट द ग्रीन कैटेगरी पास। द ग्रीन कैटेगरी पास is meant for all the consumable food items and beverages, fruits, vegetables and all eatables, and the vehicles, transport vehicles supplying all these, then bakery products, then your dairy products, all these eatables carrying vehicles will be displaying these green passes. This will also include the home delivery services which are like Zomato and Swiggy. So those green passes will also be used by these people. Then the third category is the yellow category. This is for the people who are in the essential services. The essential services, some of the examples we have given in our 144 order, and it also covers all the essential services which has been classified by Honorable Chief Secretary of Maharashtra State in his order of lockdown. So all those essential services, for example bank services, insurance sector, all these services will be included in essential services. So those vehicles also which are carrying these personnel, they will also be having these passes. Services ahet udaharanartha telephone services, PMC che adhikari karmachari, mobile services, ya sagya services, essential services ja amcha adeshamadhe namud ahet tya, ani mananiya mukhya sachiv maharashtra shasan यांनी जो आदेश काढलेला आहे लॉकडाऊनचा, त्यामध्ये ज्या इसेन्शियल सर्व्हिसेस धरण्यात आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये बँक्स आहे, इन्शुरन्स कंपनी आहे आणि इतर बऱ्याचशा आहे, तर त्या सगळ्या इसेन्शियल सर्व्हिसेससाठी हा येलो पास राहील। याच्यामध्ये आर्किटेक्ट, बिल्डर हे सुद्धा या येलो पासमध्ये कव्हर होतील। तर असे हे तीन पासेस आम्ही जारी केलेले आहे, आणि हे पासेस नागरिकांनी त्यांच्या स्वतः घरी सुद्धा ते बनवू शकतात आणि लावू शकतात। ते या तीन कॅटेगरीपैकी कोणत्या कॅटेगरीमध्ये बिलॉंग करतात, कोणत्या कॅटेगरीमधून आहेत, हे त्यांनी स्वतःच ठरवायचं आहे। ते डॉक्टर असतील तर रेड पास लावतील, व्हेजिटेबल सप्लायर असतील किंवा ग्रॉसरी मार्केटमध्ये जात असतील तर ग्रीन कार्ड लावतील, आणि जर बाकी इमर्जन्सी सर्व्हिसेसमध्ये असतील, इसेन्शियल सर्व्हिसेसमध्ये, तर ते येलो लावतील। यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा कुणी निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आणि या तिन्ही कॅटेगरीमध्ये तो बसत नाही, परंतु मुद्दाम त्यांनी असा काही पास लावला आणि तो रस्त्यावर निघाला, तर याच्यामध्ये या गाड्यांचं सुद्धा आम्ही सॅम्पल चेकिंग करणार आहे, आणि या सॅम्पलमध्ये जे आढळून आले की त्यांनी या पासेसचा गैरवापर केलेला आहे, अशा लोकांवर आम्ही कायदेशीर गुन्हे दाखल करून कारवाई करणार आहोत। सर्व पत्रकार मित्रांना माझा नमस्कार। आपण सगळ्यांना माहिती आहे, काल पोलीस आयुक्त भुवन मुंबई कार्यालयाकडून एक
144 सीआरपीसी अन्वये आदेश जारी करण्यात आलेला आहे। या आदेशान्वये काही इसेन्शियल सर्व्हिसेसच्या ज्या गाड्या आहेत, ट्रान्सपोर्ट आहेत, त्यांच्यावर निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत। हा ऑर्डर इश्यू करण्यामागचं कारण हे आहे की मागच्या 2 दिवसापासून लॉकडाऊन जो महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेला आहे, त्या लॉकडाऊनचं एन्फोर्समेंट करत असताना जेव्हा आम्ही काही वाहने गाड्या चेक करत होतो टोलनाक्यावर किंवा इतर चेक पॉईंट्समध्ये, तेव्हा त्याच्यामागे बराचसा बॅकलॉग जमा होत होता, ट्रॅफिक जॅम होत होता। आणि या ट्रॅफिक जॅममध्ये डॉक्टरांची वाहने, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, ऑक्सिजन सिलेंडरच्या गाड्या, ॲम्ब्युलन्सेस अशा सर्व गाड्या या ट्रॅफिक जॅममध्ये फसत होत्या आणि त्यांना त्यांच्या डेस्टिनेशनपर्यंत पोहोचायला वेळ लागत होता। त्याचप्रमाणे ज्या आपल्या रोजच्या वापरायच्या खाण्याच्या वस्तू, खाण्यापिण्याच्या वस्तू आहेत, व्हेजिटेबल्स आहेत, फ्रूट्स आहेत, ग्रॉसरी आयटम्स आहेत, यांचे वाहतूक करण्याचे गाड्या त्यासुद्धा ट्रॅफिक जॅममध्ये खोळंबून राहत होत्या। या ट्रॅफिक जॅममध्ये या गाड्या अडकू नये आणि त्यांना सोयीस्करपणे जाता यावं यासाठी आम्ही ही नवीन स्कीम